पैसे देने की बारी आई, जो मैंने इसका काम करवाया, इसके फैन पेजेस, इसके जितने भी काम है, जब पैसे देने की बारी आई। तो वहीं गाइस, वड़ा पाव गर्ल जो कि बिग बॉस हाउस में जाने वाली है और 15 कॉन्टेस्टेंट के नाम मैंने आपको ऑलरेडी बताई दिए थे, तो वहीं पर वड़ा पाव गर्ल को एक्सपोज कर दिया गया है। क्या हुआ है, मैं उनका छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ। वड़ा पाव की असलियत क्या है मैं बताऊंगा, एक एक प्रूफ है मेरे पास। वड़ा पाव की बात सुन ली होगी आपने, सारी रिकॉर्डिंग पड़ी है मेरे पास। इसने मुझे धोखा दिया है, वड़ा पाव ने मेरा यूज किया, मेरे सारे लिंक यूज करे। जब पैसे देने की बारी आई, जो मैंने इसका काम करवाया, इसके फैन पेजेस, इसके जितने भी काम है, जब पैसे देने की बारी आई तो ये भाग गई सीधा मुंबई बिना मुझे बताए। और इसका पति मुझे बोलता है कि नहीं, अभी तो सिर्फ हमारी बात ही चल रही थी, पैसे तो अभी देने ही थे। मेरे आराम के पैसे नहीं है, या तुम्हारी प्रमोशन का भुगतान मैं नहीं करूंगा। एक एक प्रूफ है मेरे पास, एक एक चैट है मेरे पास, और भी इसके बहुत सारे राज हैं जो धीरे धीरे सब खोल दूंगा। अगर मेरे पैसे मुझे नहीं मिले तो एक एक राज खोल दूंगा। सारी चैट, सारे प्रूफ पड़े मेरे पास। वड़ा पाव अभी भी बता रहा हूँ, सुधर जा, ये फेक चीजें कहीं और चलेंगी, विक्की ठाकुर के साथ नहीं। अपना ही दुपट्टा गिरा के लोगों पे इल्जाम लगाना तेरी आदत है, सबको पता है। विक्की ठाकुर के साथ गेम नहीं, चार दिन तूने मेरा यूज करा, मेरे सारे लिंक यूज करे, सबसे मिलवाया मैंने, सबसे फोन पे बात कराई, वीडियो कॉल पे तेरी बात कराई, सारा फैन बेस सब एक तरफ कर दिया, सारे इन्फ्लुएंसर एक तरफ कर दिए तेरी सपोर्ट के लिए, दुनिया जानती है चीज। और थाराभाई जोगिंदर ने इस मैटर में क्या कहा है और क्या किसका सपोर्ट कर रहे हैं, मैं उनका छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ। कॉल करने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो, मैंने स्टोरी लगाई है बस अपने विक्की भाई के साथ जो है। और रही मेरी बात, सोते हुए शेर को मत जगाओ, अगर जोगिंदर बोलने पा गए ना तो सारी सच्चाई निकाल दूंगा। विक्की ठाकुर जोगिंदर का भाई है, ठीक है, मेरे को लेना देना नहीं है वड़ा पाव से, कौन वड़ा पाव है कौन नहीं है, अपने घर की होगी। जोगिंदर अपनी मर्जी का मालिक है, अगर विक्की ठाकुर पे आ गई, जोगिंदर खड़ा है विक्की ठाकुर के पीछे, देख लेंगे। अबे पैसा खाते हो, कम से कम पैसा तो दो उस बंदे का, अपने आप को फिर तुम बोलते हो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, क्या कर दोगे तुम, आमने सामने मिल लेने का बता दो। इलेक्शन कर दिया ट्वीट पर कुछ ही घंटों में, इलेक्शन कमीशन की पूरी प्रेस रिलीज को शेयर किया, अब यहां कोई भी ईमानदार पत्रकार कहेगा कि चलो। वहीं गाइस, ध्रुव राठी ने काफी सारे यूट्यूबर्स को रिप्लाई दिया है, जहां पर रविंद्र भाटी जो कि एक महाराष्ट्र से एमपी थे, उनकी सीट को लेकर काफी ज्यादा बवाल मचा था, तो उन्होंने क्या कहा है का छोटा सा क्लिप आपको दिखाता हूँ। लोकसभा चुनाव में मुंबई नॉर्थ वेस्ट सीट की कहानी बड़ी अजीब है। इस सीट से एनडीए के कैंडिडेट रविंद्र वाइकर जीते सिर्फ 48 वोटों से, लेकिन 16 जून को मीडिया अखबार में ये खबर छपती है। वाइकर के रिश्तेदार मंगलेश पांडे के पास ऐसा फोन था जो ईवीएम को एक ओटीपी की मदद से अनलॉक कर सकता था। ये बड़ी चिंताजनक खबर थी, मैंने इसे ट्विटर पर शेयर किया। बाद में इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि ईवीएम की अनलॉकिंग के लिए कोई ओटीपी नहीं होता और ईवीएम से वायरलेस कम्युनिकेशन नहीं किया जा सकता। मीडिया अखबार को इसके लिए नोटिस इशू भी किया गया। जैसे ही मैंने देखा, इसे अपनी जिम्मेदारी समझते हुए करेक्शन कर दिया ट्वीट पर कुछ ही घंटों में, इलेक्शन कमीशन की पूरी प्रेस रिलीज को शेयर किया। अब यहां कोई भी ईमानदार पत्रकार कहेगा कि चलो ओटीपी से ईवीएम अनलॉक करने वाली बात ना सही, लेकिन ये तो रिटर्निंग ऑफिसर वंदना सूर्यवंशी ने भी कह दिया कि मंगेश के पास इलेक्शन कमीशन के डेटा ऑपरेटर दिनेश गौरव का फोन था, इसलिए मंगेश के साथ साथ दिनेश गौरव को भी अक्यूज बनाया गया। वंदना ने यह भी बताया कि दिनेश गौरव के फोन पर एक ओटीपी आ सकता था इलेक्शन कमीशन की इनकोर एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए, जो एक डेटा अपडेशन सॉफ्टवेयर है। ईमानदार पत्रकार या यूट्यूबर इस पर कंसर्न दिखाएगा, सवाल उठाएगा, देश में 100% फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए आवाज उठाएगा, लेकिन मोदी की चरण वंदना करने वाले गोदे यूट्यूबर्स और गोदे मीडिया के एंकर्स सवाल उठा रहे हैं मुझ पर कि मैंने न्यूज ही क्यों शेयर करी है वाली। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि थोड़ी बहुत भी शर्म बची है तुम्हारे अंदर, या वो भी पीएम मोदी के चरणों में अपृत कर डाली। शिवसेना के लीडर आदित्य ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी इस चीज को कोर्ट में लीगली चैलेंज करेगी। मनोवर से हाथ मिला रहे हो अब, ये फैंस के रिवेंज। और वहीं गाइस, एलवी शादा और मुनावर फारूकी के बीच में काफी टाइम पहले कंट्रोवर्सी हुई थी उनके क्रिकेट मैच को लेके, जहां पर उन दोनों के फैंस काफी ज्यादा भिड़ गए थे। तो वहीं पर ईसीएल की लीग के अंदर, जहां पर उन्हें वापस से मीडिया में सवाल का सामना करना पड़ा, क्या कहा उनका छोटा सा क्लिप आपको मैं दिखाता हूं, आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आई विल नॉट से कि लीक हुआ था, वो आपने खुद ने ही शूट किया था, और वहां से एल्विश आ रहे थे, आपसे हाथ मिला रहे थे, तो आपके फैंस बहुत ज्यादा हर्ट हो गए थे एल्विश इस चीज को लेकर कि आप आके मुनव्वर से हाथ मिला रहे हो। अब ये फैंस के रिवेंज